क्या क्या चाहिए होंगी, क्या क्या चीजें मुझे दरकार होंगी फूड पांडा ज्वाइन करने के लिए? आप ऑर्डर दे रहे होते हो, वो अपने जेब से पैसे निकाल के दे रहे होते हो या उनकी कंपनी के साथ कोई मोहदा होता है, या आप जाके सिर्फ कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो? तो ये चीजें मुझे बताएं जरा। अच्छा, तो कभी ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ के रेस्टोरेंट वालों ने कोई चीज कम दे दी हो या कोई चीज ज्यादा दे दी हो? 45,000 वाली कहानी है ये, एग्जैक्ट सच है, बिल्कुल सच है, या मतलब ये अपनी तरफ से कोई झांसा वांसा तो नहीं है कि ताकि लोग काम करने के लिए आ जाएं? कस्टमर का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है? आज तक ऐसा कोई वाकया हो जिसमें आपको काफी या तो बहुत अच्छा लगा हो या तो बहुत बुरा लगा हो? एक वीक में सबसे ज्यादा अब तक जब से आप काम करते हुए आ रहे हैं, आपकी टॉप अर्निंग क्या हुई, हाईएस्ट अर्निंग क्या हुई है? अच्छा, फ्यूल आपका कितना जलता है? आपको कंपनी फ्यूल के पैसे या फ्यूल आपको प्रोवाइड करती है 4 घंटे? मतलब कम से कम कितने घंटे आप इसमें काम कर सकते हो सर? अच्छा, इसमें मतलब ये दबाव नहीं है कि भाई नहीं आपने 6 घंटे करना है, आपने 8 घंटे करना है, ऐसा वाला सीन नहीं है इसके अंदर? जो लोग 4 घंटे काम करना चाह रहे हैं, 4 घंटे या 6 घंटे वाले, उनकी वीकली कितनी अर्निंग हो जाएगी ये बता दें आप, जो पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं? तो एक्सीडेंट के सूरत में कंपनी आपको कोई बेनिफिट देती है, कुछ फायदा देती है आपको? तो जब आप काम पे निकलते हो तो आप लोगों के साथ भी ये स्नेचिंग के वाकयात होते हैं? ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ले रहा हूँ। वेलकम टू द न्यू वीडियो, मैं हूँ रिजवान अहमद और आज हम इस वक्त मौजूद हैं फूड पांडा राइडर के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको भरपूर जितनी भी फूड पांडा के अबाउट इन्फॉर्मेशन होती है A to Z हम आपको देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन अगर आप फूड पांडा में काम करना चाहते हैं, अगर फूड पांडा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह काम होता है, ऑर्डर पिकअप से लेकर डिलीवरी तक, कंपनी के रूल्स, कस्टमर का बिहेवियर, सब कुछ हम इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपके फायदेमंद होगी, तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारे साथ एक फूड पांडा के राइडर मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने? अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम है अली खान चांडियो। अच्छा अली खान चांडियो साहब, मुझे ये बताएं कि फूड पांडा, अगर मैं फूड पांडा ज्वाइन करना चाहूं तो मुझे क्या क्या चाहिए होंगी, क्या क्या चीजें मुझे दरकार होंगी फूड पांडा ज्वाइन करने के लिए? सबसे पहले तो सर आपका लाइसेंस और ओरिजिनल NIC और आपका जो है जेब कैश कनेक्ट और इजी पैसा बनाओ, और इजी पैसा में आपके पास 1,000 रुपये होने चाहिए क्योंकि ये कंपनी की अभी पॉलिसी है, वो 1,000 रुपये लेते हैं डिपॉजिट के, उसमें आपको बैग देते हैं वो, उसकी जो है हर हफ्ते की 800 रुपये कटौती है। अच्छा, मतलब ये जो आपने शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनी है और आप लोगों के पास जो बैग होता है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके मतलब पैसे लेती है आपसे? सर बैग के पैसे लेती है, शर्ट के पैसे वो नहीं लेते, सिर्फ बैग के लेते हैं 2500 रुपये जो आपके मतलब 3 हफ्तों में कट जाते हैं। अच्छा 3 हफ्तों में, मतलब कि 800 करके वो 3 हफ्ते में आपके पैसे कट जाते हैं, मतलब जो सैलरी आप जितना कमाते हो उसमें से वो चार्जेस काट दिए जाते हैं? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये ज्वाइनिंग का ये सिनोरियो है, और वो जो 1000 रुपीज लेते हैं अगर कोई काम छोड़ दे तो फिर क्या मतलब उसका क्या होगा? सर तो आपका वॉलेट अगर क्लियर होगा तो वो आपको 1000 रुपये रिटर्न कर देंगे। वॉलेट मतलब के जो उनके पैसे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो कंपनी के पैसे हैं वो आपकी तरफ अगर नहीं है तो वो आपको 1000 रुपये रिटर्न कर देंगे। अच्छा एक और चीज भी है जो काफी सारे लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा ये बताएं, जो ये आप ऑर्डर दे रहे होते हो वो अपने जेब से पैसे निकाल के दे रहे होते हो या उनकी कंपनी के साथ कोई मोहदा होता है, या आप जाके सिर्फ कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो? तो ये चीजें मुझे बताएं जरा। सर ये ऑनलाइन सिस्टम है, हम तो सिर्फ वेंडर से ऑर्डर उठाते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं, कस्टमर से हमें कैश लेनी होती है और वो हमें कंपनी को मतलब रोजाना हमारी आईडी बनी हुई है तो हम उस पर सेंड करते हैं, वो कंपनी को पहुंच जाते हैं, हमें वेंडर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब फूड पांडा के साथ जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो भी जुड़े होते हैं, तो वो मतलब के डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं फूड पांडा से, उनको डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है, सही है? जी सर, उनके पास भी फूड पांडा की डिवाइस हैं, उनको भी फूड पांडा कंपनी हर हफ्ते सैलरी देती है, मतलब जो उनका हिसाब बनता है जिस तरीके से हमारा बनता है तो हमें भी सैलरी देते हैं हफ्ते के हिसाब से, तो उनको भी हफ्ते के हिसाब से मिलती है। अच्छा, तो भाई ये कंफ्यूजन एक दूर हो चुकी है कि जो राइडर्स ऑर्डर जाकर लेते हैं वो अपने पैसों से नहीं लेते, वो उनका एक पहले से ही मुआहदा होता है, वो भी एक पार्टी है, जैसे ये जैसे ये वर्कर है तो वो भी एक किस्म का एक उनके उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी वर्कर हैं, तो फूड पांडा राइडर अपने जेब से पैसे नहीं देता, वो जाके सिर्फ क्या सीन होता है, वो रेस्टोरेंट पर जाते हो तो उसके बाद मतलब क्या होता है उसके आगे?
सर जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है जिस रेस्टोरेंट का उसका नाम आता है और ऑर्डर कोड आता है और आइटम आता है तो हम उसी वेंडर की तरफ मूव करते हैं जाते हैं और उन्हें हम ऑर्डर कोड बताते हैं। उनके पास फूड पांडा की डिवाइस होती है उन क्योंकि हमारे पे मतलब पे पहुंचने से पहले ही उनके पास उस डिवाइस पे ऑर्डर आ चुका होता है और वो रेडी कर देते हैं। अच्छा मतलब ऑर्डर जो आप वहां पर जाते हैं वो बस आपने ऑर्डर कोड बताना होता है और वही आइटम जो होते हैं वो आपको दे देते हैं। अच्छा तो कभी ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ के रेस्टोरेंट वालों ने कोई चीज कम दे दी हो या कोई चीज ज्यादा दे दी हो या मतलब कभी आपको मतलब वो जो इज्जत होती है जैसे उनका अपने कस्टमर उनके पास होते हैं ठीक है वो वाली आपको इज्जत मिलती है या राइडर्स की इज्जत कम होती है या राइडर्स को थोड़ा ज्यादा तरजीह देते हैं इस चीज के बारे में हम जरा मुझे बताएं। सर ये है कि कुछ वेंडर ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं कि भाई आप जाके बाहर वेट करें यहाँ पे ना खड़े हो और कुछ वेंडर हैं जो अच्छे हैं बोलते हैं भाई बैठे आप पानी वानी पिए सुकून से बैठे और कुछ जो है वो मतलब बिल्कुल बदतमीज वेंडर हैं तो बस काम तो करना है ना भाई काम कर रहे हैं और अगर आइटम कम भी होता है तो हमें तो इजाजत नहीं है कि हम आइटम खोल के चेक करें हम उन्हें आइटम बताते भी हैं और हमारे पास ऑर्डर कोड होता है उनके पास भी वही ऑर्डर कोड होता है हम उन्हें बताते हैं और आइटम भी बताते हैं। अब अगर वो कम चीज देते हैं कस्टमर के पास अगर कोई आइटम कम है तो उसके लिए भी फूड पांडा ने उनकी जो हेल्पलाइन है फूड पांडा की एप्लीकेशन के अंदर हेल्प सेंटर है तो उस पर वो जाके उनको बता सकते हैं अपना रीजन कि ये आइटम कम आया है तो उनको फूड पांडा की तरफ से वाउचर दिया जाता है पैसे कस्टमर को मिल जाते हैं। अच्छा तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई हर बंदा हर वेंडर एक जैसा नहीं होता कोई आपको अच्छे से जो आपकी रिस्पेक्ट करता है आपको बिठाता है पानी वानी पिलाता है कोई आपको अच्छे से जो है बातचीत नहीं करता। खैर ये तो भाई रूल है दुनिया में आपको हर तरह के लोग नहीं मिलते अच्छे भी मिलते हैं खराब भी मिलते हैं ये आपके अंदर टैलेंट होती है कि आप सामने वाले को किस तरह से उसको आप जो है उसके टॉकिंग वे को किस तरह से आप बर्दाश्त करते हैं आप किस तरह से उनके साथ बातचीत करते हैं तो ये चीज़ तो उन्होंने हमें बता दी। अच्छा और ये बताएं कि आपकी अर्निंग के हवाले से भी बात करते हैं क्योंकि फूड पांडा पे अर्निंग के हवाले से बात करना है कि 45,000 का हम काफ़ी सुनते हैं अक्सर एड भी देखा है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि आप 45,000 तक कमा सकते हैं तो सर ये बताएं कि जो 45,000 वाली कहानी है ये एग्जैक्ट सच है बिल्कुल सच है या मतलब ये अपनी तरफ से कोई झांसा वांसा तो नहीं है कि ताकि लोग काम करने के लिए आ जाएं। नहीं सर ये बिल्कुल सही है वो सिर्फ 45,000 उनके लिए है जो मतलब पार्ट टाइम वगैरह कर रहे हैं पार्ट टाइम वालों के लिए 8 से 9 घंटे जो कर रहे हैं उनके लिए 45,000 है और जो इसके अलावा फुल टाइम चला रहे हैं वो तो फुल टाइम वाले ऐसे होते हैं कि वो टारगेट मारते हैं उनकी माशाल्लाह हर हफ्ते की जो मैं खुद भी अल्लाह का शुक्र है टारगेट मारता हूँ। तो एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ ये टारगेट वाला सीनियरियो थोड़ा समझाएंगे मतलब कि इस पे आप टारगेट भी मार सकते हैं टारगेट का क्या फायदा है। सर टारगेट पे हमें बोनस दिया जाता है अलग से एक 4 दिन का अलग से है 3 दिन का अलग से है 4 दिन में हमें मारने होते हैं 140 ऑर्डर जिन पे हमें मिलते हैं 3800 रुपए कंपनी की तरफ से बोनस होता है 3800 आपको 4 दिन में मिलते हैं मतलब आपके जो पर ऑर्डर के हिसाब किताब अलग और 3800 140 ऑर्डर करने पे अलग। अच्छा 140 करना ही जरूरी है उससे कम भी है आपके पास। सर उससे कम भी अगर आप मतलब हो जाते हैं तो उससे कम वाला बोनस भी है 2300 रुपए वाला भी है 1500 वाला भी है 3 है अभी फिलहाल। अच्छा मतलब के 140 ऑर्डर करेंगे तो आपको 3800 रुपए अलग मिलेंगे 4 दिन के और उसके अलावा आगे 2300 रुपए अगर उससे आपने कम किए तो। अच्छा नहीं ये 4 दिन का तो आपने बता दिया ये किस दिन से किस दिन तक है ये। सर ये पीर से जुमेरात तक। अच्छा भाई पीर से जुमेरात तक इनका एक दो मतलब दो बोनस है वीकली ठीक है एक पीर से जुमेरात तक है मतलब पीर रात 12 से लेकर जुमेरात के रात 11:49 पे ये खत्म हो जाता है उसमें 4 दिनों में अगर आपने इनका टारगेट पूरा कर लिया 140 इनका सबसे हाईएस्ट टारगेट है जिसपे आपको मिलते हैं 3800 रुपए ठीक है और उसके बाद कितना मिलता है आपको। सर उसके बाद है 5400 रुपए। अच्छा फिर जुम्मे से लेके वो कौन से कितने दिन तक चलता है। सर वो 3 दिन तक चलता है इतवार तक उसकी लास्ट डेट है। अच्छा मतलब के जुम्मे से लेके इतवार तक इनका 3 दिन का अलग टारगेट है तो मतलब दो टारगेट है। अच्छा इस तरह कर करके अगर 3800 ये हो और ये टारगेट हो जाता है कंप्लीट या बस राइडर वेट कर रहे होते हैं आपको क्या लगता है। सर इसके लिए टाइमिंग देनी पड़ती है बहुत हो जाता है। अच्छा एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ टाइमिंग देनी होती है मतलब कितना टाइम देना पड़ता है कितने घंटे आपको दिन में करना लाजमी है अगर आपको ये अगर इतने ज्यादा पैसे चाहिए अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो। सर उसके लिए आपको 16 से 18 घंटे देने पड़ते हैं कम से कम 16 घंटे वरना 18 घंटे देने पड़ेंगे तब आपका ये टारगेट हो जाएगा।
अच्छा भाई, अगर दोनों टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, 3800 वाला भी और 5400 वाला भी, ये वीकली, फिर आपकी वीकली अमाउंट कितनी बन जाती है, अंदाजन बता दें। सर अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो है अभी मेरे पिछले वीक भी उठाए उसमें, मतलब एक मेरा टारगेट नहीं लगा था, तो मेरी बनी थी अर्निंग 28,000 रुपये। अच्छा, मतलब माशाल्लाह यार, टारगेट नहीं बना, मतलब कि टॉप टारगेट नहीं बना, उससे कम वाला बना, तो मतलब फिर भी यार 28,000 एक वीक में, तो यार बस इसमें यह कि यार आपकी मेहनत की बात होती है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे, इसमें सारी कहानी ये। देखिए आप किसी कंपनीज वगैरह में भी काम करते हैं ना, अगर वो आपको ओवर टाइम भी देंगे तो इतना भी मेरे ख्याल में नहीं बनेगा, कहीं पर आप आपकी 12 घंटे की ड्यूटी आप उनको 2-3 घंटे दे रहे हो तो वो इतने ज्यादा आपको पैसे पे नहीं करेंगे, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखा जाए बुरी नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा ये बताएं कि जैसे आप काम करते हैं, ठीक है, कस्टमर का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है? सर अभी जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर लगा हुआ है, अब दूसरा ऑर्डर भी लग गया, तो जाहिर सी बात है जो हमें कंपनी लोकेशन देगी पहले उसी को देना पड़ता है, तो दूसरा जो कस्टमर होता है वो वेट कर रहा होता है, वो समझ रहा है कि राइडर कहीं बैठा हुआ है या घूम रहा है, क्योंकि उसके पास भी हमारी लोकेशन जा रही होती है, तो वो मतलब बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है आप लेट से क्यों आए हो, तो वो मतलब बहुत ही मतलब गुस्सा करते हैं। अच्छा भाई, जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि भाई ये भी एज ए वर्कर हैं, अगर इसके पास मोबाइल सेल में एक ऑर्डर आया तो दूसरा ऑर्डर भी इसके पास फौरन आ सकता है, मतलब कितने तक ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं? सर इससे तो हमारे पास 4 ऑर्डर आते हैं। अच्छा, 4-4, 5-5, 3-3 ऑर्डर भी एक साथ आ रहे होते हैं, तो मतलब ये एक, देखिए ये भी एक वर्कर है, आप इन पे गुस्सा ना किया करें, ये मेरी जो लोग देख रहे हैं, जो कस्टमर है जो ऑर्डर्स करते हैं उनसे अपील है कि भाई ये भी मजबूर होते हैं, आपको ऑर्डर एनी हाउ उठाना होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप ना उठाएं तो उसमें मसला होता है। सर उस अगर ऑर्डर ना उठाएं तो हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो उस पर हमारा टारगेट नहीं होता और हमारा बेज खराब होता है, इसमें बेज का हिसाब भी है, बेज वन पे अच्छे पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके से हमें ऑर्डर मतलब अगर उठा लिया तो सही, अगर नहीं उठाया तो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ऑर्डर ऑलरेडी है और दूसरा आ जाता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो ऑर्डर ना उठाऊं ताकि पहले वाले कस्टमर को मैं पहले दे दूं, लेकिन उसमें ये मसला होगा कि इनका बेच खराब होगा, बेच खराब होगा तो ये फर्क पड़ेगा कि जो टारगेट करते हैं, टारगेट के लिए एक परफॉर्मेंस भी होती है फूडपांडा राइडर्स की, कि आपके ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा होना चाहिए तो आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो इस मतलब ये बेचारे इनका कोई कसूर नहीं है, ये अगर ना चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनको भाई काम करना है, टारगेट करना है, तो ये इनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब अच्छा, कोई ऐसा वाकया मुझे बताएं आज तक ऐसा कोई वाकया हो जिसमें आपको काफी या तो बहुत अच्छा लगा हो या तो बहुत बुरा लगा हो। सर तकरीबन आज 2 दिन पहले की बात है, तो मुझे 2 ऑर्डर लगे हुए थे, तो वो मैंने पहला ऑर्डर कस्टमर को दिया, दूसरा कस्टमर मुझे बार बार मैसेज कर रहा था, तो आपको पता है जैसे हम तो बार बार मोबाइल निकाल नहीं सकते, बाइक पे होते हमें पता नहीं लगता, तो जैसे मैं वहाँ कस्टमर के गेट पे गया और देखा तो उसके काफी सारे मैसेज आए हुए थे, तो मैंने उनको मैसेज पे कहा कि मैं सर आपके गेट पे हूँ और आप आ जाएं। उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं बाइक पे था और ट्रैफिक है और मुझे पता नहीं लगा इस चीज़ का, तो मैं मेरी भी मतलब गुजारिश यही है जो कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं कि सर हम भी बाइक पे होते हैं, थोड़ा इस चीज़ को आप भी देख लिया करें, बार बार मैसेज ना किया करें, क्योंकि हम कभी देख रहे होते हैं मैसेज कभी नहीं देखते, बाइक पे तो हम नहीं देख सकते ना, हमें बाइक चलानी होती है, तो वो मतलब बहुत ही कुछ। अच्छा ये बताएं कि आपने अब तक वीक में, एक वीक में सबसे ज्यादा अब तक जब से आप काम करते हुए आ रहे हैं, आपकी टॉप अर्निंग क्या हुई, हाईएस्ट अर्निंग क्या हुई है, जो किसी भी ईद को मिला के बता दें या आम दिनों में जो आपकी टॉप अर्निंग हुई जिसमें आपका दिल खुश हो गया हो कि यार बस मजा आ गया? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो बड़ी ईद थी तो इस पे मेरी बनी थी 47। वन वीक में 47,000, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार, मतलब कि वो महीने का 45,000 बता रहे होते हैं तो ये जो है 47,000 सिर्फ एक हफ्ते का आप बता रहे हैं मुझे, वाह। और ये बताएं कि आपकी अब तक, आपको अब तक सबसे ज्यादा टिप कितनी मिली है एक कस्टमर से? सर वैसे तो अभी ऑनलाइन का सिस्टम भी फूडपांडा ने दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन कस्टमर को कहा है कि आप दे सकते हो, तो उस पे हम मुझे ज्यादा से ज्यादा 200 तक मिली है एक कस्टमर से, मतलब अब तक आपको 200 तक मिली है, उससे मतलब ज्यादा आपको अभी तक नहीं मिली जब से आप ज्वाइन किया है आपने? अच्छा, तो भाई ये कह रहे हैं कि मुझे अब तक जो है ना 200 तक की टिप मिली है। अच्छा, तो भाई अभी हम फ्यूल का भी जानते हैं क्योंकि भाई पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, 110, 140, 160, 220, 230, 225 मतलब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फ्यूल आपका कितना चलता है, आपको कंपनी फ्यूल के पैसे या फ्यूल आपको प्रोवाइड करती है? जी जी सर, 1180 रुपये हर हफ्ते के देती है, 100 रुपये कंपनी हमें,
तो हमारे जो हफ्ते का है तो वो 5,000 रुपए का पेट्रोल जल जाता है, हर वीक 5,000 का पेट्रोल जल जाता है। अच्छा चलो, ये तो आप 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कम करना चाह रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं करना चाह रहे, कोई 6 घंटे करना चाह रहा है, कोई 8 घंटे करना चाह रहा है, अब कोई 4 घंटे, मतलब कम से कम कितने घंटे आप इसमें काम कर सकते हो? सर वो तो अभी इसके अंदर शिफ्टें होती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे काम करना चाह सकते हैं। अच्छा, इसमें मतलब ये दबाव नहीं है कि भाई नहीं आपने 6 घंटे करना है, आपने 8 घंटे करना है, ऐसा वाला सीन नहीं है इसके अंदर? सर इसमें कंपनी ने पॉलिसी ये दी हुई है कि इसमें शिफ्टें 4 घंटे की है, 3 घंटे की है और 5 से 6 घंटे तक भी है। अगर आपने जो आपकी मर्जी की शिफ्ट पड़ी हुई है वो आप उठाओ और काम पे आ जाओ, उसे पूरा कर लो। अगर आप वो नहीं कर सकते, ब्रेक एंड लगा के आप घर जा सकते हो, ठीक है वो भी आप जा सकते हो, लेकिन उस पर ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, आपको अगले वीक मतलब परफॉर्मेंस खराब होगी तो वेज खराब होगा, आपकी अर्निंग बहुत कम बनेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग 4 घंटे काम करना चाह रहे हैं, 4 घंटे या 6 घंटे वाले, उनकी वीकली कितनी अर्निंग हो जाएगी ये बता दें आप, जो पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। सर अगर जो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो माशाल्लाह उनकी भी हफ्ते की जो है वीकली तो 10 से 12 हज़ार तो हो ही जाएगी। अच्छा मतलब माशाल्लाह अगर देखा जाए जो 4 से 6 घंटे जो कर रहे हैं उनकी भी 10,000 तक अर्निंग हो जाएगी, मतलब मंथली आप ये कि 40,000 तक लगा सकते हैं, तो यार मतलब बुरा तो नहीं है, पार्ट टाइम वालों के लिए भी अच्छा है, क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सर्विस है फूड पांडा की, और मैं तो यही मशवरा दूंगा जो, क्योंकि हमारे भाई काफ़ी बेरोजगार हैं तो वो फूड पांडा में आ जाएं, बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें माशाल्लाह देखें अभी आपको कोई भी कंपनी इतने पैसे नहीं दे रही, और इसमें आपकी अपनी मेहनत है। और अच्छा भाई ये वीडियो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये वीडियो मैं फूड पांडा के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना उन्होंने मुझे पैसे दिए, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। इस पैसे से, इस वीडियो से मुझे फूड पांडा एक रुपया नहीं दे रहा, हम जो भी अच्छी बातें कर रहे हैं कंपनी के लिए तो उसमें कंपनी ने हमें कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो का। तो भाई जैसे हमें बता रहे थे तो आप बताएं। तो मेरा भी यही मशवरा है कि जो फारिग लोग घूम रहे हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो वो फूड पांडा में आ जाएं, बहुत अच्छी सर्विस है माशाल्लाह, कोई कंपनी आपको इतने पैसे नहीं दे रही, लेकिन उसमें यह है कि आपकी अपनी मेहनत है। जाहिर है भाई मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा ना, मेहनत करने से ही तो पैसे घर पे आते हैं, घर बैठे बैठे तो कोई भी आपको जो है पैसा नहीं मिलता, और इसमें खास बात यह है कि आप अपने बॉस खुद होते हो, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बॉस खुद होते हैं, अपनी मर्जी का शिफ्ट उठाया, खुद काम पे चले गए, जब दिल किया आपने शिफ्ट एंड ब्रेक लगा दी, ठीक है उससे आपकी बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब होती है, लेकिन आपको इजाजत होती है आप शिफ्ट एंड करें। और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप एक दिन काम नहीं करते या 2 दिन नहीं करते तो उससे आपको कंपनी प्रेशर नहीं करती कि आप काम पे क्यों नहीं आ रहे, तो मतलब कि यार ये एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इसमें अपने बॉस खुद हो, आपके ऊपर कोई होता है जब आप काम पे निकलते हो? सर हमारे ऊपर ये है कि अगर कोई हमारे साथ इशू आ जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रेक का बताया, ठीक है अल्लाह ना करे कोई मुझे इमरजेंसी हो जाती है तो मैं फौरन जाऊंगा अपने डिस्पैच पे, उनको मैं बताऊंगा कि सर ये मेरा रीजन है तो आप मुझे ब्रेक एंड लगा दो, क्योंकि अगर वो ब्रेक लगाते हैं तो उसपे हमारी परफॉर्मेंस इतनी नहीं गिरती, अगर खुद लगाएंगे तो ज्यादा गिरती है, अगर वो लगाएंगे तो नहीं गिरती। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब ये ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं इनके ऊपर भी एक टीम बैठी होती है, ऑनलाइन टीम, तो कोई भी इशू होता है तो ये उनको बताते हैं कि सर मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ ये इशू है, तो उस हवाले से जो है वो उनका इशू सॉल्व कर देते हैं। अच्छा अब ये बताएं एक्सीडेंट के हवाले से बताएं, जो एक्सीडेंट मतलब कि जैसे खुदा ना खास्ता किसी राइडर का, क्योंकि भाई ये तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता बैठे बैठे मुझे कुछ हो जाए, चलते फिरते मुझे कुछ हो जाए, तो इस चीज का किसी पे नहीं होता, ये तो भाई अल्लाह ताला के हाथ में। तो एक्सीडेंट की सूरत में कंपनी आपको कोई बेनिफिट देती है, कुछ फायदा देती है आपको? सर अगर आप काम पे मौजूद हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसी भी हॉस्पिटल मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे वो आपको बिल बना के दें, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे साइन कर देते हैं, ये नहीं, कंप्यूटराइज वो होना चाहिए, वो आप जो भी आपका बिल बनता है, आपने एक हमारी राइडर सपोर्ट है, टीम है अलग से, डिस्पेज अलग है, राइडर सपोर्ट अलग है, आप वहाँ पे जाके उनको वो तस्वीरें और वो मसाइल सब कुछ बता सकते हैं, तो वो आपको रिटर्न आपके वॉलेट में पैसे मतलब आ जाते हैं, जो आपका मतलब एक्सीडेंट हुआ है जितने पैसे लगे आपके वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। अच्छा तो भाई इसमें ये भी सहूलत है कि अगर आपका एक्सीडेंट खुदा ना खासा हो जाता है ऑन द ड्यूटी तो आपको जो है कंपनी पे करती है। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि आपको पता है कि कराची के हालात कितने ख़राब है, आए दिन स्नेचिंग होती है, आए दिन कोई ना कोई मतलब के इस मसले में पड़ा रहता है, तो जब आप काम पे निकलते हो तो आप लोगों के साथ भी ये स्नेचिंग के वाकयात होते हैं?
सर आए दिन तो हम खुद भी सुनते रहते हैं, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि सारे राइडरों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है, हमें पूरी रात काम करना पड़ता है। तो अभी कंपनी की एक पॉलिसी है कि हमें पक्की एफआईआर चाहिए, जो पक्की एफआईआर हमारी होती नहीं है। काफ़ी सारे राइडर बेचारे, मतलब उनकी पक्की एफआईआर हुई ही नहीं, वो कच्ची होती है तो कच्ची पे कंपनी नहीं मानती। अगर पक्की एफआईआर किसी कोई करवा लेता है तो कंपनी उन्हें अपना वॉलेट क्लियर करवा देती है, बाकी मोबाइल के पैसे अब वो कंपनी नहीं दे रही, पहले देती थी अब नहीं दे रही। नहीं, बीच में तो सुना था ना कि 15,000 तक मेरे ख्याल से दे रहे हैं। सर वो पहले देते थे लेकिन अब वो नहीं दे रहे। अच्छा, मतलब आपका वॉलेट बोले तो जो आप कस्टमर से पैसे ले रहे होते हो, जो आपके वॉलेट के अंदर होते हैं 8,000, 7,000, 3,000, 2,000, तो उन पैसों की आप बात कर रहे हैं? जी, उन्हीं पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉलेट हमारा मतलब जीरो कर देते हैं। अच्छा, ये खैर पे। अच्छा, तो भाई ये एक और ये भी चीज़ है कि अगर आप फूड पांडा पे काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता ऑन द ड्यूटी आपकी जो स्नैचिंग हो जाती है, तो उस पे ये है कि आप पक्की एफआईआर बनवाएं। पक्की एफआईआर के बाद आपको इनके ऑफिस जाना होता है, आप ऑफिस जाकर वो पक्की एफआईआर दिखा दें, जो आपका मतलब वॉलेट में जो पैसे होंगे ना 8,000, 7,000, 6,000 जितने भी हो एक्स वाई जेड, वो आपके जो है ना क्लियर हो जाते हैं, सही है? जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, तो भाई ये अली खान चांडियो साहब थे, माशाल्लाह भाई, सर थैंक यू सो मच, आप ऑन ड्यूटी हैं, आपने ऑन ड्यूटी जो है हमें बहुत टाइम दिया, अपना कीमती वक्त जिसमें आप अपने पैसे कमा सकते तो वो कुछ टाइम आपने हमें दिया, हम आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी तरह भाई अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर पे लोगों को जाके खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक भी आपसे खुश होंगे। और जितनी भी जो आवाम फूड पांडा पे ऑर्डर करती है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि भाई राइडर्स का ख्याल रखा करें, भाई ये घर बार छोड़कर आपके दरवाजे पर खाना देने आते हैं। अब दूसरी बात ये बोलते हैं कि यार हम तो पे कर रहे हैं 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये या एक्स वाई जेड जितने भी डिलीवरी चार्जेस हैं। देखिए यार, वो तो आप पे कर रहे हैं लेकिन वो आपके पास एक बंदा खुद आपके पास रेस्टोरेंट पर जाता है, आपको ना रेस्टोरेंट जाने की कोई नौबत आती है, आप वहाँ से खाना उठाते हैं, कोई भी आपकी चीज़ जो आपने ऑर्डर किया होता है वो उठाते हैं, फिर रस्ते ट्रैफिक में देखें, फिर ऐसा। अच्छा, और कितनी अलाव है आप सीढ़ी वगैरह जो चढ़ते होते हो, मतलब कि जाहिर सी बात है हर जगह तो जो है जो लिफ्ट नहीं होती, कहीं कहीं पर ये भी होता है सीढ़ियां भी होती हैं, तो वहां पे कितना अलाव है? सर हमें 4 फ्लोर पे अलाव है, लेकिन आपको पता है जैसे कि आज तक मतलब ज्यादातर जो है वो लेडीज ही ऑर्डर करती है ना, तो हमें 5 मंजिल तक भी पैदल जाना पड़ता है। अगर कहीं लिफ्ट खराब हो जाए तो 6 मंजिल तक भी मैं खुद गया हूँ, ऑर्डर दे के आया। अच्छा, मतलब यार ऐसा भी सीन होता है, बारिशों का मौसम होता है तो ज्यादातर लिफ्ट बंद होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो 10-10, 8-8, 7-7 फ्लोर पे भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो मतलब यार देखिए ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें आप ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें इनका अपना क्या बोलते हैं ईगो एटीट्यूड ये सब कुछ खत्म करके फिर आप लोगों के पास आते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है, ये गुजारिश है कि भाई इनसे जो अपना मूड अच्छा रखा करें जब ये लोग आए, अगर आप कोशिश किया करें, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको अच्छा खासा दिया है किसी पे देने के लिए तो आप टिप शिप दिया करें, इनसे इनको काम करने में और मजा आएगा, इनको और अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई मसला नहीं, आप पानी का पूछ लिया करें, इनसे अच्छे रवैये से बात कर लिया करें, ताकि इनको इस काम में और मजा आए और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, ताकि ये फूड पांडा पाकिस्तान में चलता रहे, उन लोगों के लिए जो फूड पांडा के ऊपर अपना दिन रात का खाना मंगवा रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी आसान है फूड पांडा से। तो भाई ये वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली हुई होगी, और इंशाल्लाह जिस तरह के हमने ये शुरू किया है हम आपके लिए देखे फूड ब्लॉग्स लेकर आते हैं, क्रिकेट के हवाले से लेकर आते हैं, फनी वीडियोस के हवाले से लेकर आते हैं, एक चैनल पे हमने माशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल इंटरटेनमेंट है। तो इसी तरह हमने आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आए, वीडियो थोड़ी लंबी सी हुई है लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको फूड पांडा पे पूरा जो है आपका सिनेरियो आपको पता चल जाएगा, किस तरह फूड पांडा में क्या होता है, कस्टमर से लेकर वेंडर से लेकर कंपनी से लेकर हर चीज ए टू जेड हमने इस वीडियो में बता दिया है। तो ये हमारे साथ थे चांडियो साहब, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका। अच्छा चांडियो साहब, आप जो है लोगों को बोले कि हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें। भाई अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए मजीद वीडियो लाते रहें इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।